नाबालिग लड़के को काम पे रखा था। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सदोष मनुष्य हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वर्धा के देवली के MIDC इलाके में MSW इस्पात कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ बाल श्रम निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। देवली के 21 वर्षीय अमित प्रसाद मातकर और 17 वर्षीय ऋतिक प्रकाश कामड़ी की कंपनी में काम करने के दौरान मौत हो गई। इनमें से एक की उम्र 17 साल की है। एक बाल मजदूर से काम लिया जाता था और उससे भारी काम कराया जाता था। एक बाल मजदूर की अचानक मौत ने बाल मजदूरी के मुद्दे को सामने लाया है। बाल श्रमिक की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस में ठेकेदार सहित MSW इस्पात के प्रबंधन के 8 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के 8 लोग मनुजार्ज, प्रतीक बिंदल, आशीष भट्ट, ब्रिजेश यादव, श्याम मुंदड़ा, रमेश नाथ प्रसाद कुकरेकर, हर्षल गायकवाड़ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। बाल श्रम अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हल्ली आणि कंपनीच्या अख्ख्या मॅनेजमेंट विरुद्ध या ठिकाणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। एकंदरीत ही घटना घडल्यानंतर अनेक प्रश्नचिन्ह कंपनीवर, इथल्या सरकारी यंत्रणावर, प्रशासनावर, उपस्थित लोक नागरिक आम्ही करतो आहे। यामध्ये नेमकं इतकं मोठं मॅनेजमेंट असताना, या ठिकाणी जिल्हा कामगार अधिकारी असताना, सरकारी यंत्रणा असताना, अल्पवयीन कामगार कंपनीमध्ये कसा काय काम करू शकतो हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे। त्यासोबतच या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी प्रिकॉशन घेतल्या जात नाही। कामगाराच्या दृष्टीने सुरक्षेविषयी कुठलीही काळजी घेतली जात नाही। कामगारांच्या जीवाच्या दृष्टीने अत्यंत ढिसाळ आणि गलथान कारभार कंपनीच्या वतीने केला जातो आणि तेवढंच जबाबदार इथला जिल्हा कामगार अधिकारी आणि संपूर्ण यंत्रणा या ठिकाणी या सगळ्यांच्या अल्पवयीन कामगाराच्या मृत्यूला जबाबदार ठरते। सदर बाबत दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झालेले आहेत। एक 25 तारखेची जी घटना आहे त्या घटनेमध्ये IPC 304(a) आणि भादवी कलम 34 अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे। तर हा जो अल्पवयीन बालक होता त्याच्या मृत्यू संदर्भात भादवी कलम 304 सहज चिल्ड्रन्स ऍक्ट, कंपनीज ऍक्ट आणि ज्युव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट मधील विविध कलमांमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। NBC न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।